आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ नींबू का अचार, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊँ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अभी हम नींबू के पेड़ के पास आ चुके हैं और अभी हम कलेक्ट करेंगे नींबू। तो अभी हमने जो नींबू है उसको सन ड्राई कर दिया है धोके, और अब हम इसको इस तरह लंबे में काटेंगे। मम्मी जरा फोकस करना, ये देखिए, और ऐसे हमने बहुत सारे यहाँ पे काट दिए हैं। ये हमने लंबे में इसलिए काटे हैं बिकॉज अभी इसका जूस निकलेगा यहाँ पे, तो आई गेस इतना काफी है और अब इसका जूस निकालना स्टार्ट करते हैं। डाला इसमें, एक्चुअली नींबू इतने बड़े हैं कि आ नहीं रहे इसमें। मेरी मम्मी पीछे से इशारा कर रही है कि नींबू को काट क्योंकि नींबू बहुत बड़े हैं। और ये एक इसमें डाला, 1 2 3। कोई बात नहीं, ऐसे हाथ से होते रहते हैं। Up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the rip, at the gun time. Dropping bodies in the place till the sun time. Can't fuck with this, I'm going to try. But when the bullets fly, I'm the last one to die. तो ये मैंने नींबू का जूस निकाल दिया है। अब मैं इन नींबू के पीसेस को और छोटा करूंगी, सो दैट खाने में मुझे इतने लंबे नींबू पसंद नहीं है, इसीलिए। ये देखिए, तो ये है लेमन जूस, और इसके बाद मैंने इसको माइक्रोवेव में 150 डिग्री सेल्सियस में आधे घंटे के लिए रखा था। तो इसमें हमने डाला है 1 ग्लास पानी, उसमें 4 चम्मच चीनी, 2 चम्मच नमक, राई, सौंफ, अजवाइन और सौंठ, और अब हम इसको इवेपोरेट कर रहे हैं सो दैट ये स्टार्ट हो गया है और ये काफ़ी थिक हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे हम, और ये है नींबू का पानी, ये हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, इस नींबू के पानी से क्या होगा, जो ये अभी अगर इसमें नींबू का पानी ना जाता तो ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता, जैसे ये ठंडा होता। सो दैट ये सॉलिड फॉर्म में ना जाए इसीलिए हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। अब ये ठंडा होने के बाद भी लिक्विड ही रहेगा, सॉलिड नहीं बनेगा। ये मिर्च और नींबू के पीसेस को स्टर करेंगे सो दैट ये जले ना, और एज यू ऑल कैन सी कि इसकी जो ये भाप निकल रही है इससे इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाएगा और प्लस ये पक भी जाएगा। यूजुअली ऐसा करते हैं कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप 2-3 दिन तक धूप में इसको सुखा सकते हो, बट अगर आपके पास ओवन है तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप ओवन में ही करो, उससे जल्दी बनता है। ये देखिए, हम तेल डालने जा रहे हैं। वैसे तो आप बिना तेल के बना सकते हो, पर हम प्रेफर करेंगे तेल डालना। बस जी, ये तो काफ़ी है। ये है सरसों, और जैसे ही तिल गर्म हो जाए इसमें हम लोग मेथी दाना और मस्टर्ड सीड डालेंगे, और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे सो दैट तिल ज़्यादा गर्म ना हो। ज़ीरा, अजवाइन और जो हमने बेक किया हुआ नींबू है उसे हम इसमें फ्राई कर देंगे, और इसको हम 15 मिनट तक फ्राई करते रहेंगे, और इसके बाद हम गैस ऑन करके इसे बिल्कुल धीमी आँच में पकाएंगे, और धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता रहेगा। और इसमें हाँ, हल्दी भी डालेंगे बिकॉज मिर्च हल्दी से थोड़ा कलर भी चेंज होगा, साथ में एंटीऑक्सीडेंट तो अच्छा है ये। हमने ज़्यादा हल्दी इसलिए नहीं डाली ताकि ये सब्जी ना बन जाए।
अब हम ये जो मिक्सचर है इसके अंदर डाल रहे हैं, ये देखिए। इसको थोड़ा हमने गरम कर दिया सो दैट ये ज़्यादा इसमें लगा ना रहे, और अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अपना अचार डालेंगे। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं कि तेल से एक कोट कर रहे हैं इसे, थोड़ा और देने के बाद जो नींबू का रस है वो जाएगा सबसे नीचे। ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा। ये देखिए इतना सा डाला। अब उसके बाद जब ये तो ये देखिए दोस्तों, यमी घर का होममेड अचार बढ़िया बन गया है। और इसको आप लोग 2-3 दिन तक आप कहीं धूप वाली जगह में रख दीजिएगा। ये हम एयर टाइट कंटेनर में रख रहे हैं सो दैट इसमें ये जो भी फर्मेंटेशन या कुछ भी होना है इसमें तो हो जाए, ये फ्यूज़ हो जाए मसाले एक दूसरे के साथ, रच जाए। ये का रस है वो हम इसमें डालेंगे और इसके ऊपर हम फिर से कोट कर रहे हैं इसे नींबू के ही रस से जो कि हमने स्टार्टिंग में निकाला था। सो दैट ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, जो कि नेचुरल काम भी करेगा और साथ में खटास भी लाएगा। ये जो अचार अभी हमने बनाया ये था हमारा होममेड अचार जो कि इंस्टेंट अचार था। तो नेक्स्ट अचार जो हम ये बनाने जा रहे हैं ये है आपका 3-4 महीने में तैयार होगा। इसमें आपको कच्चे मतलब कोई पकाना नहीं है, इसमें हमको स्क्वीज्ड और अनस्क्वीज्ड लेमन डालना है, नमक डालना है और सरसों का तेल डालना है, चीनी डालनी है जैसे कि मैं डाल रही हूँ अभी, और इसमें मिर्च जाएगा। मिर्च हमारे घर का है तो इतना कलर आपको लगेगा नहीं, बट ये हाँ मिर्च है। और 2 चम्मच मिर्च डालने के बाद अब हमको रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअली जो बर्तन है वो छोटा है, इस करके हम लोग इसे प्लेट में ही मिक्स करेंगे। और बढ़िया इसको मिक्स करने के बाद फिर से हम प्लेट में उसमें डाल देंगे, कंटेनर में डाल देंगे। इस अचार को बनने के लिए 3-4 महीने लगेंगे बिकॉज इसमें जो ये प्रोसेस है ये थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि हमने जो ये है लेमन है इसको पकाया नहीं है। और इसके ऊपर जो ये आपको ग्रेवी दिख रही है ये पुराने अचार की है जो बच गई थी। और मिर्च को हमने थोड़ा सॉटे किया है और इसके बाद हम फिर से इसे मिक्स करेंगे और ये यम्मी 3-4 महीने के लिए कहीं पे धूप में रख देंगे एयर टाइट कंटेनर में, और उसके बाद वी कैन एंजॉय। अचार को आप फिल करते हुए मेक श्योर जो आपका ये जार है उसको आप सबसे पहले कोट कीजिए सरसों के तेल से, और उसके बाद ही आप अचार डालिएगा। और मेक श्योर जो भी कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी जार आप यूज़ कर रहे हैं वो एयर टाइट हो। और इसके साथ हमने इसके ऊपर लाइम जूस डाल दिया है। थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा और अचार बच गया था तो हमने अपने यूज्ड कंटेनर में ही डाल लिया है, ये अचार का ही कंटेनर है। और इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।